कहाँ है वो? तू लगे बैंक साहब दिखाते प्रदीप प्रदीप डब्बे से बंद कोई भी चीज हो रही है दीपक मेरे एक सेकेंड सर हो गया जी कभी ये जो आप सभी जानते हैं कि एक वीडियो वायरल हुई थी सेंट थॉमस के सामने एक अमित है जो एक पंजेटा ये अपने बच्चे को लेने गया था तो कुछ लोगों ने इसकी रेकी करके इसको घेर के वहाँ पीटा था और जो पासस बाय हैं जो पब्लिक मैन हैं उन्होंने वीडियो अपना मौके पे बना के और वो काफ़ी सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ था तो इनका आपस में बेसिकली जो है एक विवाद जो है वो है वर्चस्व की लड़ाई का ये कुछ एक शरारती लड़के हैं दोनों तरफ दोनों पक्षों की तरफ ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो मुकदमा है जिसमें अमित कुमार को चोट लगी थी और एक सिमिलर एक जो इंसिडेंट है वो हुआ था सड़होरा आप सभी जानते हैं तो ये आपस में दोनों ही मुकदमे रिलेटेड हैं जो अमित कुमार को पीटने वाले हैं और फिर अमित कुमार के जो साथी हैं जो उसके साथ लगे हुए हैं जुड़े हुए हैं उन्होंने फिर कमलजीत सिंह उर्फ कम्मा को सड़होरा सुल्तानपुर थाना सड़ोरा में उसकी पिटाई की थी तो ये आपस में इसलिए रिलेटेड है कि इनका आपस में वर्चस्व की लड़ाई है दोनों ग्रुप और ये छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ते हैं इनका शराब का भी काम है एरिए का भी आपस में डिस्प्यूट है सेल को लेके तो कई छोटी छोटी बातों को लेके आखिर में नौबत ही आई कि इन्होंने एक दूसरे को पीटा है जो सेंट थॉमस के सामने जो अमित कुमार वाला है मुकदमा जो कि उसमें जितने भी हमारे आरोपी थे बाय नेम और अदरवाइज जो निकल के आए थे नाम फर्द इंसाफ में वो 8 लोगों का पता लगा था वो उनमें से 5 लोग हम पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं विभिन्न विभिन्न तारीखों पे जैसे विकेश मनप्रीत सचिन कर्णदीप कमलप्रीत ये 19 5 तक हमने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और जो ये बाकी के 3 जो हैं ये गिरफ्तार करके और हमने रिमांड पे लेके कल एक दिन का रिमांड मिला था इनका और इनसे जो बरामदगी करनी थी हमने एक उसमें अपना कंट्री मेड पिस्टल है एक मोटरसाइकिल है और एक गाड़ी है और कैश जो 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 लुटा था इसके तो ये 3 हमने सारे के सारे इसमें जो आरोपी हैं गिरफ्तार हो चुके हैं और अब जो मामला है वो तकरीबन निपट चुका है जो इससे रिलेटेड जो दूसरा मुकदमा है जिसमें कमलप्रीत को अमित के जो गुर्गे हैं या उसके जो साथी हैं उन्हें चोट मारी थी उसमें 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 5 लोगों की उसमें गिरफ्तारी जो बकाया है ये इनमें से कुछ लोग जो हैं ऐसे उनके ऊपर काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं जैसे बरजिंदर है ये बरजिंदर सिंह उर्फ सन्नी है ये इसके ऊपर पहले ही आपराधिक मुकदमे बहुत दर्ज हैं एक बिंदर है इसके ऊपर भी काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं और ये काफ़ी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और इन्हें भी हम जल्दी पकड़ के पुट देम बिहाइंड द बार्स इसमें कमल उसमें जो नाम की जो एक कंफ्यूजन है वो लड़का कमलजीत नहीं है वो कमलप्रीत है कमलप्रीत सराहा का उसको वो भी गिरफ्तार हो चुका है इसमें तो जो 3 वीडियो वायरल हुए थे उनमें से ये मिलते जुलते हैं या इनका अलग अलग काम 3 वीडियो ये 2 वीडियो वायरल हुए थे 3 वीडियो नहीं थे एक तो सेंट थॉमस के आगे था
और एक जो गांव सडोरा के गांव में हुआ, ये इंटरलेटेड है। एक जो सडोरा वाला है उसमें जो सडोरा वाला जो विक्टिम है उन्होंने पहले अमित को पीटा है, और जो अमित वाले में साथी हैं वो कमलजीत उसका विक्टिम है, तो आपस में इंटरलेटेड है। और ये मैं जैसे बता चुका हूँ कि ये ग्रुपिज्म है, और जो आपस में वर्चस्व की लड़ाई एक दूसरे को नीचे दिखाने के ऊपर ही है। और इसमें और कुछ अभी जो भी आएगा निकल के फिर हम बताएंगे आपको। जी उनको रोकने के लिए भी कोई बंदोबस्त किया? हाँ हाँ, अब हमारे को एक्स्ट्रा फोर्स भी मिल चुकी है। पहले तो हमारे पास डेफिसिट था फोर्स का, अब हमारे को आईएफबी की एक और कंपनी मिल गई है, कुछ परमानेंट नाके जो शहर के हैं वो आप देखेंगे कि 24/7 चलेंगे। अभी तो हम लोग मेक शिफ्ट में नाकाबंदी कर रहे हैं, लेकिन हम उसको 24 आवर अफेयर करेंगे और पक्का नाका लगेगा। पक्की उसमें हम पेट्रोलिंग और गश्त करेंगे। जैसा कि आपको पता है हमने 23 मोटरसाइकिलें भी उपलब्ध करा दी हैं, आप सब जानते हैं बैंक्स के सामने ड्यूटी देती हैं, और अगर किसी को कैश जमा कराना है निकालना है और वो हैवी अमाउंट है और उसको लग रहा है कि वो सेफ नहीं है तो वो कॉल कर सकता है, और हमारा जो ये सेवा है पुलिस द्वारा ये दी जा रही है सुरक्षा की, वो उसकी वो ले सकता है। सर, पुलिस की तरफ से नाकेबंदी तो होती है, लेकिन कोई भी वारदात होती है तो जो गुनहगार होता है वो शहर में घूमता रहता है, ये देखने में आया है। और जो ये आपकी ये जो लूट हुई है 50 लाख वाली, उसमें भी ये बात सामने आई है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारा जो ये यमुनानगर शहर जगाधरी है, ट्विन सिटी, ये पुराने उस पर बेस्ड है प्लान पे, जो इसका स्ट्रक्चर है आपस में गलियां काफ़ी मकड़जाल बना हुआ है, और जो नाकाबंदी होती है वो मोस्टली हम करते हैं मेन रोड पे जहाँ से लोग स्पीड से निकलते हैं। तो ये लोग उस एक कमी का फ़ायदा उठा के जो इंटर कनेक्टेड छोटी गलियां होती हैं उनसे निकल जाते हैं, वहाँ संभव नहीं होता नाकाबंदी करना। लेकिन उसके पीछे भी अब हम जो हमने 23 राइडरें लगाई हैं, अब हम उनको उस काम के लिए भी देंगे कि जैसे ही सीलिंग प्लान आएगा तो उन गलियों को भी हम कवर करेंगे। सर, सूचना तंत्र कमजोर माना जाए इस? सूचना तंत्र तो नहीं कमजोर है, बाकी रिस्पॉन्ड करने में समय तो लगता ही है पुलिस, क्योंकि हर जगह व्यस्त है, आधी पुलिस कोर्ट में खड़ी है, लॉ एंड ऑर्डर में है, हाई कोर्ट्स गए हैं, तो बाय द टाइम मैसेज मिलता है और पुलिस एक्टिव होती है तो थोड़ा सा रिस्पॉन्ड टाइम लगता है, उसको इम्प्रूव करेंगे। ये सर जो मार कुटाई हुई थी जो शराब कारोबार ये बता रहे हैं, ये मतलब एक नंबर के या दो नंबर में काम करते हैं? नहीं, पॉइंट ले रखे हैं इन्होंने, पॉइंट तो इन्होंने एक नंबर में ले रखे हैं, लेकिन हम ये इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि ये लोग खुर्दा भी सिस्टम है उसमें भी इन्वॉल्व है। इनके सर नाम क्या है जो अमित वाले केस में जो पकड़े हैं? एक्यूज्ड हैं, जो आज हम जो जिनको दोबारा जिनका रिमांड है और जिनको पेश करना है, वो तीन जो मुख्य आरोपी हैं वही थे, मंजोत, हरदीप और जशकर। सर, इसने अमित वगैरह मोटरसाइकिल पर, मैं तो कह रहा था फंस गए, बिना नंबर की स्कूटी लेकर वहां से वहां पता नहीं कहां पहुंच गए। लड़के तीन सर कॉलेज में, लड़कियों के चक्कर एक रैकी टाइप सी कर रहे थे, स्कूटी पे तो है ही नहीं, मैं और वो थे विमल भाई।